नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार प्रजापत देव आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रोजेक्शन के कितने प्रकार थे उनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। अभी हमारे पास टॉपिक है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, और अब इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू के दो प्रकार थे, कौन से थे? एक तो था फर्स्ट एंगल और दो नंबर था थर्ड एंगल। तो मैंने एक बात बोली थी आपको, अगर आपको थर्ड एंगल समझ में आ गया तो आपको फर्स्ट एंगल ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं था, एक प्लस का निशान बनाना था, फ्रंट कहां पर होगा, साइड कहां पर होगी और टॉप कहां पर होगा, सभी भागों को एक जगह प्लस में बनाना था। इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर फ्रंट है, यहाँ पर साइड है और फ्रंट के ऊपर टॉप है, तो ये कौन सा तरीका है थर्ड एंगल का। और अगर हमें फर्स्ट एंगल के अंदर करना है तो इसका क्या करना था, हमें भुजा गुणा करना था। जो फ्रंट यहाँ पर है वो फ्रंट क्या कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। जो साइड यहाँ पर है तो टॉप की जगह चली जाएगी और फ्रंट के नीचे आ जाएगा टॉप, टॉप यहाँ पर है तो साइड की जगह आ जाएगा, इस तरीके से। तो इसके बारे में हमने कब चर्चा कर ली थी। अभी आगे हम बात को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम दिया हुआ आएगा परीक्षा के अंदर कि फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है और टॉप कौन सा है। एक डायग्राम मिलेगा हमें, आइसोमेट्रिक व्यू मिलेगा, उसके अंदर हमें फ्रंट एक ही भाग दिया हुआ आएगा या फिर हमें तीनों भाग दिए हुए आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रंट लिख दिया, यहाँ पर साइड और उसके ऊपर टॉप भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर मान लीजिए नहीं आया, ओनली फ्रंट लिखा हुआ आ गया या फ्रंट या एलिवेशन ई भी लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पर ई का मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन को हिंदी में कहते हैं सम्मुख दृश्य, जिस प्रकार फ्रंट को हिंदी में कहते हैं सम्मुख दृश्य, उसी प्रकार एलिवेशन को भी हम कहते हैं सम्मुख दृश्य। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इसके इस डायग्राम के अंदर जो फ्रंट दिया हुआ है उस फ्रंट के अंदर हमें सामने से देखने पर हमें कौन कौन से भाग इस डायग्राम के हमें दिखेंगे, तो उन डायग्रामों को क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट किस तरीके से करना है कि अभी इस साइड के अंदर हमें फ्रंट दिया हुआ है तो मैं इस डायग्राम को इस व्यू से देखूंगा, इस एंगल से देखूंगा तो मुझे कौन कौन से डायग्राम के भाग दिखेंगे। सबसे पहले हमें जो भाग दिखेगा वो है ये, और उसके ऊपर कौन कौन से भाग हैं, एक तो है ये, और ये जो बीच में भाग है ये क्या है, खाली है, इसके बीच में कोई भाग नहीं है। तो मतलब इसके बीच में भी हमें जब थर्ड एंगल के अंदर अपन फ्रंट व्यू बनाएंगे तो इसके बीच में भी कोई भाग नहीं आएगा, ये भाग भी खाली रहेगा। और इसके बाद में कौन सा भाग है, ये भाग है। तो फ्रंट के अंदर कितने भाग हो गए, कुल एक, नंबर दो और नंबर तीन। इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, डायग्राम को हाईलाइट कर लेना है कि फ्रंट के अंदर कौन कौन से भाग दिखेंगे और साइड व्यू के अंदर कौन से भाग दिखेंगे और टॉप व्यू के अंदर कौन से भाग दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना है फ्रंट, कौन से एंगल के अंदर हमें बनाना है, थर्ड एंगल के अंदर। तो थर्ड एंगल के अंदर मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, जिस साइड में हमें फ्रंट दिया हुआ होता है उस साइड में क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा। तो मेरे इस डायग्राम में राइट साइड के अंदर क्या है, फ्रंट है, तो फ्रंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और इसके अपोजिट क्या आएगा, साइड और फ्रंट के ऊपर क्या आता है, टॉप। तो फ्रंट यहां पर बनेगा, साइड यहां पर बनेगा और टॉप यहां पर बनेगा। हमने ये चार चतुर्थांश बनाए हैं, इसी चार चतुर्थांश के अंदर हमें इनको बारी बारी अंकित कर लेना है। कहां पर आएगा फ्रंट है, फ्रंट आएगा यहां पर, यहां पर लिख लिया फ्रंट, इसके अपोजिट साइड और फ्रंट के ऊपर टॉप, तीनों भाग हो गए हाईलाइट। उसके बाद में हमें फ्रंट को बनाना शुरू करना है। किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले तो डायग्राम के अंदर ये देखिए कि फ्रंट की चौड़ाई कितनी है, फ्रंट की चौड़ाई है अपनी यहां से यहां तक कितनी है, 45 mm, ये पूरा माप है वो एमएम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चौड़ाई कितनी है, 45 mm, तो फ्रंट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 45। ऊंचाई कितनी होगी, एक तो ये भाग है और एक ये भाग है, तो इस भाग की ऊंचाई कितनी है, 15, और इस भाग की ऊंचाई कितनी है, 15, तो कुल कितनी हो गई, 30। तो टोटल डायमेंशन कितना हुआ फ्रंट का, 45 by 30, 45 हो जाएगी चौड़ाई और 30 हो जाएगी ऊंचाई। तो 45 by 30 का हम फ्रंट के अंदर एक व्यू बना लेते हैं। मैं एक बार बिना नाप लिए ही बना रहा हूं, आप सभी को अपने सेट स्क्वायर से या स्केल से
इन व्यू को क्या करना है, नाप कर बनाना है, माप कर बनाना है, ठीक है। तो ये अपनी टोटल चौड़ाई कितनी है 45, ऊंचाई कितनी है इसकी 30, ठीक है। अब एक नंबर डायग्राम का एक नंबर भाग अपन क्लियर करेंगे। एक नंबर भाग के अंदर अपने को कितना व्यू दिखाई दे रहा है, इतना व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये व्यू कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है 15, इधर से भी इसकी ऊंचाई कितनी है 15, टोटल ये चौड़ाई कितनी है 45। तो 45 बाई 15 का 45 की तो ये रेखा खींची हुई है। उसके बाद में अपन 15 का एक भाग लगा लेंगे, यहां पर भी 15, और इस रेखा को हम इसको मिला देंगे। तो ये जो भाग बनेगा ये कौन सा भाग है अपना, एक नंबर फ्रंट का कौन सा भाग है एक नंबर, इसकी चौड़ाई कितनी थी 45, ऊंचाई कितनी है 15। तो 45 ऊंचाई होगी और 15 होगी इसकी, सॉरी 45 होगी चौड़ाई और 15 होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। अभी बात भाग नंबर दो की बात करते हैं, तो भाग नंबर दो यहां पर है, तो इसकी चौड़ाई कुल कितनी है 15, इसकी ऊंचाई कितनी है कुल 15। तो 15 बाई 15 का एक भाग कहां पर बनेगा, इस व्यू में बनेगा, इसी व्यू में बनेगा, क्योंकि इसके राइट साइड में दो नंबर भाग है जो कि इसके ऊपर एकदम से दिखेगा अपने को। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15 बाई 15। तो ये दो, ये भाग नंबर कितना हो जाएगा अपना दो नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने बोला था कि ये जो भाग है ये हमें क्या दिखेगा, एकदम खाली दिखेगा, इसके बीच में कोई भाग नहीं है। तो ये कितने पर है, ये रेखा देखिए आप, ये रेखा आपस में मिली हुई नहीं है, यहां से ये रेखा देखिए, ये भी रेखा अपने को मिली हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, यहां से 15 mm पर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी 15 mm पर, ये रेखा क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद में कौन सा भाग है, ये भाग है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 15, तो यहां पर ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 15, और ये ऊंचाई इसकी कितनी है 15, तो ये आ जाएगा यहां पर भी 15 का। तो ये दो नंबर, ये तीन नंबर भी भाग अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। फ्रंट के अंदर और कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, और कोई भाग नहीं दिखाई दे रहे। नंबर एक ये रहा, नंबर दो ये, और नंबर तीन ये रहा। इसके बाद में कटे हुए भाग के लिए हिडन रेखाएं आती है, वो मैं इसके बाद में बताऊंगा, पहले अपन साइड व्यू भी बना लेते हैं और टॉप व्यू भी अपन बना लेते हैं, ठीक है। अभी बात करें अपन साइड की, तो साइड के अंदर हम हाईलाइट करेंगे, कौन कौन से भाग दिखेंगे, ये भाग दिखाई दे रहा है और कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, ओनली कितना भाग दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो अभी वही बात फ्रंट के अंदर जो आपने देखा था कि इसकी चौड़ाई टोटल कितनी है, वही इसके अंदर देख लीजिए टोटल चौड़ाई कितनी है इसकी 10, 15 और 10, कितनी हो गई 35, 10, 15 और 10, 35 हो गई। टोटल चौड़ाई कितनी होगी इसकी 35, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मैंने एक बात भी बताई थी आपको, जितनी फ्रंट की ऊंचाई होती है उतनी ही साइड की ऊंचाई होती है। कैसे होती है कि भाई इसके अंदर यहां पर नाप नहीं दिया हुआ है, माप नहीं दिया हुआ है, कैसे देखेंगे आप इस रेखा को देखिए, ये रेखा जितनी ऊंची है, इसकी जितनी ऊंचाई है, कितनी है ऊंचाई इसकी, यहां से पता लगेगा कितनी है इसकी 15, तो ये भी कितनी की, कितने की हो जाएगी 15 की, ये कितनी है 15, तो यहां से ये रेखा भी इसके समान है, इसकी लंबाई भी कितनी है एक समान है, तो ये कितने की हो जाएगी 15 की हो जाएगी। तो टोटल ऊंचाई अपने पास कितनी आ जाएगी 15 इसकी और 15 इसकी, टोटल ऊंचाई कितनी आ गई 30, और फ्रंट की अपनी ऊंचाई कितनी थी 30, जितना फ्रंट का ऊंचाई होता है उतना ही साइड की ऊंचाई होती है। तो 30 और इसकी चौड़ाई कितनी हो की थी अपने 10, 10, 20 और 10, 30 और 5, 35, तो इसकी चौड़ाई हो गई 35, इसकी ऊंचाई हो गई 30, चौड़ाई हो गई 35, ऊंचाई हो गई 30। अभी अपने को एक एक भाग बनाना है, या तो आप यहां से बनाना शुरू कर दीजिए या यहां से बनाना शुरू कर दीजिए, अपन यहां से बनाना शुरू करेंगे इसको। तो ये ऊंचाई कितनी है इसकी 15, ये भी अपन ने ऊंचाई कितनी की थी इसकी 15, 15 के ऊपर एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में इस तरफ कितना आ रहा है, ये इस तरफ का माप हमें पता नहीं है, तो कहां से देखेंगे, ये सामने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो ये अंदर की तरफ कितना आएगा 15, तो इसको भी अपन 15 लिख लेंगे, ठीक है। और
इसके बाद में कौन सी रेखा है, ये रेखा है, तो इस रेखा की ऊंचाई कितनी है टोटल 15, तो इसको भी क्या कर लेंगे यहां से 90 डिग्री के अंदर आई ये रेखा, तो 90 डिग्री के अंदर ये रेखा कितनी में आ जाएगी 15 के अंदर आ जाएगी, और फिर ये रेखा बचेगी, ये रेखा कितनी है 20, तो टोटल यहां से यहां तक ऑटोमेटिकली चौड़ाई अपनी कितनी बच जाएगी 20 बच जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो बीच में ये कट बना हुआ है इस बात की, तो इस बात की बात करेंगे तो यहां से ये कितना है 10 mm, तो 10 mm पर एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कितने mm खाली आई है 15 mm, तो 15 mm तक इस लाइन को क्या कर लेंगे खाली कर लेंगे। अभी इसकी ऊंचाई कितनी है इस रेखा की 5, तो 5 mm इसको 90 डिग्री में ऊपर खींच देंगे। इसके बाद में इसकी टोटल चौड़ाई 15, तो 15 mm इसको कर देंगे, और नीचे की तरफ ये रेखा कितनी आ रही है भाई 5 mm, तो ये रेखा भी आ जाएगी 5 mm। तो फ्रंट व्यू का जितना भाग हमें दिखाई दे रहा था, कितना भाग दिखाई दे रहा था ये भाग, तो ये साइड व्यू के अंदर अपने को ये भाग ऐसा का ऐसा दिखता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन टॉप व्यू की। टॉप व्यू डायग्राम को ऊपर से देखने पर जो भाग नजर आता है वही इसका क्या होता है टॉप व्यू होता है, और टॉप व्यू आता है कहां पर है फ्रंट के ऊपर आता है, तो टोटल जितनी फ्रंट की चौड़ाई है उतनी क्या होगी टॉप की चौड़ाई होगी, तो टॉप की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 45। कैसे होगी ये अपने के अंदर अपने को कितने कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, और ये एक टी तरीके की आकृति है नंबर 3, ये भाग हमें दिखाई देगा। तो टोटल इसकी चौड़ाई कितनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 45, और अपने पास फ्रंट की चौड़ाई कितनी थी 45, तो 45 के ऊपर एक पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद में इसकी ऊंचाई देखेंगे, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई का पता लगेगा यहां से, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 और ये कितना है 15, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 35 mm, तो 35 mm जितनी साइड की चौड़ाई होती है उतनी ही टॉप की ऊंचाई होगी। ठीक है, 35 mm पर अपने को पॉइंट लगाना है और इस रेखा को डायरेक्ट यहां से यहां तक मिला देना है। ठीक है, अब भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3, हम सबसे पहले एक नंबर भाग को बनाएंगे। एक नंबर भाग कहां पर बनेगा, ये पूरा एक डायग्राम है, इस डायग्राम के इस कॉर्नर में ये भाग है, तो ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम के इस कॉर्नर में ये भाग आएगा एक नंबर, इसके बीच में है जगह खाली तो वो खाली बच जाएगी, इसके बाद में आएगा 2 नंबर भाग और 3 नंबर भाग है वो ऑटोमेटिक दिखेगा अपने को। कैसे दिखेगा, इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है 20, ये कितना है 15, 20 आएगी नीचे की तरफ 20 खींच देंगे और उसके बाद में खींच देंगे अपन 15, ये भाग नंबर कौन सा जाएगा अपने पास, एक नंबर भाग, कितनी है इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है 15 और ये नीचे की तरफ कितना है 20, तो 15x20 का एक नंबर भाग हो गया। उसके बाद में बीच में भाग जगह है वो है खाली, तो उसको छोड़ दीजिए, भाग नंबर 2 की बात कर लीजिए, वही साइड इसकी भी मांग करना है 20x15, तो इसको भी हूबहू बना देंगे यहां पर। तो ये जो भाग बनेगा ये कौन सा भाग बनेगा अपना 2 नंबर, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 15। ठीक है, एक नंबर भाग हो गया, 2 नंबर भाग हो गया, उसके बाद में ये जो भाग बचेगा ये भाग कौन सा है टॉप का, ये 3 नंबर भाग है, जो कि हमें इन दो भागों को दिखाने के बाद में ये शेप दिखाई देती है, ये किस प्रकार की शेप है, उल्टी टी की तरह है, उल्टी टी की तरह ये जो शेप दिखाई दे रही है वो ऑटोमेटिकली यहां पर बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हिडन रेखाओं की। अपना फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया और टॉप व्यू बन गया, तो हिडन रेखाएं किस किस तरीके से बनेगी, हिडन रेखाएं होती है बेसिकली कोई भी कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। तो इस डायग्राम के अंदर कटा हुआ भाग कौन सा है, फ्रंट व्यू, ये अपना फ्रंट व्यू है, इस फ्रंट व्यू के पीछे यहां से 10 mm और यहां से 5 mm, ये क्या हो रहा है, यहां से 5 mm ऊपर क्या है पीछे कट लगा हुआ होता है,
कष्ट लगा हुआ रहता है इसके अंदर, तो इसके लिए अपने पास हिडन रेखा खींचेंगे हम फ्रंट के अंदर। फ्रंट के अंदर कैसे खींचेंगे कि अपना साइड जो हमने बनाई थी तो ये रेखा अपनी कितने की थी 5 mm की, तो ये जो 5 mm का कट है वो फ्रंट के अंदर हमें हिडन रेखा के रूप में दर्शाना है। तो ये इस रेखा को अपने पॉइंट मान लीजिए और एक हिडन रेखा यहां पर खींच दीजिए। तो ये रेखा कौन सी आ गई इस कट की, ठीक है। और कौन सी रेखा आएगी इसके अंदर, फ्रंट के साइड के अंदर भी नहीं है और टॉप के अंदर देखेंगे तो टॉप के अंदर भी ये कितने एमएम पर है 10 mm पर, तो ऊपर से इस भाग के नीचे है 10 mm पर, तो ये एक रेखा आ जाएगी यहां पर, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये भाग दिखाई नहीं दे रहा है। इसको पता लगाने के लिए क्या करना होता है, यहां से 10 mm पर क्या है ये कट लगा हुआ होता है, तो इसके लिए 10 mm पर हिडन रेखा वही सेम यहां पर होगा 10 mm पर, यहां पर भी क्या आएगी हिडन रेखा आएगी, ठीक है। और कोई भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके पीछे भी कट लगा हुआ है तो उसकी हिडन रेखा और काम आएगी, एक हिडन रेखा आएगी साइड के अंदर। साइड के अंदर क्यों आएगी, क्योंकि इसके पीछे भी क्या है कटा हुआ भाग है, बीच में भाग क्या है खाली है, इस भाग के पीछे भी क्या है एक भाग खाली है कटा हुआ भाग है, तो उसके लिए भी हिडन रेखा आएगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल अपने पास, ये ऊंचाई कितनी ली थी अपने 15, तो 15 के बाद में क्या है ये यहां से 15 mm पीछे क्या है ये कटा हुआ है, तो 15 mm की यहां पर भी एक हिडन रेखा खींच देंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि इसके पीछे जो भाग है वो क्या है कटा हुआ भाग है, ठीक है। और कोई इतनी ही आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब इतना भाग बनाने के बाद में हमें, इतना काम करने के बाद में हमें जो बाकी रेखाएं बच जाती है उन रेखाओं को क्या करना होता है हटाना होता है, जिस तरीके से मैं हटा रहा हूं यहां पर एक ये रेखा, जितना भाग हमें दिखाई दे रहा है उतना उतना ही भाग हमें इसके अंदर रखना है, ठीक है। यहां से ये हट गया, बाकी यहां पर हटा हुआ है और टॉप में ये हटा दिया, यहां से इसको बराबर कर देंगे यहां पर और इसको बराबर कर देंगे, ये भाग है यहां पर क्या हो जाएगी एक सीधी रेखा अपन खींच देंगे। अब एक पार्ट आता है अपने डायमेंशन का, डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमांकन। अब पूरे डायग्राम का हमें विमांकन करना होता है, ये अपन ने ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर जो कन्वर्ट किया है भाग, उस पूरे भाग का हमें विमांकन करना होता है, किस प्रकार करना होता है एक फ्रंट व्यू का मैं आपको बता देता हूं और बाकी आप ऑटोमेटिक भी सीख जाओगे उस उनके अंदर भी क्या होता है सेम ही विमांकन होता है, ठीक है। दो तो हमें खींचनी है एक्सटेंशन लाइन, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, ठीक है। और ये जो मुख्य रेखा है और ये कि विमांकन रेखा है, इन दोनों के बीच में गैप समान रखना है। अगर अपन 5 mm का गैप रख रहे हैं तो पूरे डायग्राम के अंदर हमें 5 mm का गैप रखना है, अगर हम 10 mm का गैप रख रहे हैं तो पूरे डायग्राम के अंदर हमें 10 mm का गैप रखना है। तो हमने मान लीजिए 5 mm का रखा है और दोनों तरफ क्या बनाने हैं एरोहेड, और टोटल जितना विमांकन था हमने सेम लिख देना है यहां पर 45, तो यह चौड़ाई कितनी थी 45। उसी प्रकार क्या करेंगे इधर वाली साइड, यहां पर भी और यहां पर भी विमांकन अपन कौन सी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो अपना समांतर विमांकन हो, प्रगतिशील हो, चाहे वो चैन विमांकन हो, चाहे वो सहरेखीय हो, कोई भी अपन विमांकन इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। जिस प्रकार इस डायग्राम के अंदर यहां पर सहरेखीय विधि से किया हुआ है और यहां पर चैन पद्धति से विमांकन किया हुआ है, तो अपन विमांकन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, जहां पर अपन ने फ्रंट बनाया है वहां पर कैपिटल अक्षरों के अंदर फ्रंट नाम लिखना है और इसकी हाइट रखनी है अपने को 10 mm, वही हाइट यहां पर रखनी है, साइड लिखना है और वही हाइट यहां पर रखनी है और टॉप लिखना है। उसके बाद में हमें लिखना होता है अधिकतम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, डायग्राम की अधिकतम लंबाई कितनी है, अधिकतम चौड़ाई कितनी है और अधिकतम ऊंचाई कितनी है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो जाएगी फ्रंट व्यू के अंदर देखेंगे, तो यहां से यहां तक इस डायग्राम की चौड़ाई कितनी होगी
45 एमएम, तो वो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे। चौड़ाई कितनी हो जाएगी इस डायग्राम की, चौड़ाई कितनी है 35 एमएम, 35 लिख देंगे। और इस डायग्राम की ऊंचाई कितनी है 15 ये और 15 ये, टोटल कितनी होगी इसकी ऊंचाई 30 एमएम। इस तरीके से हमें विमांकन भी लिखना है। और तीसरा काम हमें करना है इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू का, थर्ड एंगल में एक संकेत बनाना है, सिंबल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। अब परीक्षा के अंदर अपन ने इतना काम करेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे पूरे में से पूरे। ये नहीं कि आइसोमेट्रिक बना दिया, इसको थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया और बाकी की कार्रवाई बीच में छोड़ दी, उससे अपने को नंबर नहीं मिलेंगे। एक तो विमांकन हमें पूरा करना है, फ्रंट साइड और टॉप भाग पूरे लिखने हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूरी लिखनी है, और ये थर्ड एंगल का सिंबल हमें पूरा बनाना है, इसके बाद में ही हमें नंबर मिलेगा। तो ये था अपना आइसोमेट्रिक को थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल व्यू के अंदर कन्वर्ट करना। तो आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।